नया वर्ल्ड बना रही हूँ तो नाम क्या रखूँ? न्यू वर्ल्ड रख दूँ? नहीं, एक काम करती हूँ, माइनक्राफ्ट हैक्स रख देती हूँ, पर इस नाम में भी ना मजा नहीं आ रहा। नहीं ये नहीं यार, माइनक्राफ्ट क्रिएटिविटी रख देती हूँ, आखिर हम इस वर्ल्ड में क्रिएटिव चीजें तो करने वाले हैं, बट इसमें भी ना मजा नहीं है यार। ओके, अभी फाइनली मुझे समझ गया कि मुझे क्या रखना चाहिए। तो गाइस फाइनली मैंने एक वर्ल्ड बना दिया है जहाँ पर ना हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बहुत ही सारी ना क्रिएटिव चीजें करने वाले हैं। बहुत सारे बिल्ड्स ना हम क्रिएटिव में ही करेंगे क्योंकि ये क्रिएटिव में ही ज्यादा पॉसिबल है। ओके सॉरी, तो क्रिएटिव बातें तो बहुत हो गई, बट अभी ना हम काम करते हैं। तो बनाना मुझे ये वाला मेंशन था, पर फर्स्ट डे के लिए थोड़ा ज्यादा ही हो जाता ना, तो मैंने सोचा फर्स्ट डे के लिए ना हम एक स्मॉल हाउस बनाते हैं। तो ये वाली जगह ना मुझे एकदम मस्त लगी, लाइक नदी के बीचों बीच भी है और इसको ना मैंने थोड़ा बहुत प्लेन भी कर लिया है। तो सबसे पहले हमको ग्लास चाहिए, तो ऐसे ना नीचे 3 ग्लास हमें लगाने हैं और इसके ऊपर भी ना 3 ग्लास ऐसे लगाने हैं। इसके बाद लगाने हैं स्लैब्स, तो स्लैब्स ना मैंने डार्क ओक वाले लिए हैं, तो यहाँ पे ऐसे 2 लगाने हैं और ऐसे ना यहाँ पे 3rd वाला भी लगाना है और पीछे का एक्स्ट्रा स्लैब ना हटा देना है। यहाँ से 2 स्लैब्स एक्सटेंड कर देते हैं और आगे से भी 2 स्लैब्स बढ़ाएंगे। तो ये हो गई हमारी घर की छत। छत के नीचे से पिलर्स लाने हैं, तो यहाँ पे ना सामने में स्लैब्स लगा देती हूँ। आप कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, वैसे तो मेरे पास अभी स्लैब मैंने लिया है तो स्लैब ही लगा देते हैं, और इसके बीच में भी ना एक स्लैब हम लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक स्प्रूस डोर लगाया, बट ये ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं कि इसको ना दूसरे डोर से रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल वुडन डोर तो सही लग रहा है। फिर डोर के बाजू में लगा देते हैं एक फेंस और उसके ऊपर लगा देते हैं लीव्स, मतलब कोई भी लीव्स लगा दो यार। उसके बाद उसके ऊपर लगा दिए मैंने वुडन स्लैब्स। सामने से तो ये प्यारा सा झोपड़ा लग रहा है, पर इसके पीछे ना कुछ नहीं है, तो अभी पीछे के हिस्से पे काम करते हैं। तो अब पीछे भी ना मैंने थोड़ी बहुत डिजाइन करके इसको पैक कर लिया है। एक तो पूरा पैक करो, नहीं तो ऐसा ना थोड़ी बहुत डिजाइन कर लो। अभी यहाँ पर ना एक टॉर्च लगा देते हैं, उसके ऊपर ग्लोइंग आइटम फ्रेम और ना इसके ऊपर स्लैब लगा देते हैं। वाव, क्या सही लग रहा है। अब सही से मुझे याद आया कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। अभी घर के अंदर का ना ये ब्लॉक मैं हटाती हूँ, यहाँ पे ना ग्लोस्टोन लगा देती हूँ क्योंकि ना इससे ना घर में रोशनी रहेगी। यहाँ का भी एक ब्लॉक हटाते हैं और यहाँ पे भी ना ग्लोस्टोन लगा देते हैं। अभी बीच के ना 2 ब्लॉक्स हटाते हैं और यहाँ पे अपना बेड रखते हैं। इसको हटाओ, यहाँ पे चेस्ट रख दो, और इसको भी हटाओ और यहाँ पे भी एक चेस्ट रख दो। यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल भी रख देते हैं। ओके, तो अभी घर अंदर से बन गया, अभी बाहर जाते हैं। बस अभी घर के साइड्स पे ना डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत फूल पौधे लगा देते हैं। यहाँ पे तो लैडर लगा देते हैं ऊपर जाने के लिए, और घर के ऊपर हम फार्मिंग करेंगे तो ऐसे ना डर्ट लगा देते हैं। बीच का एक ब्लॉक हटा के पानी डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ना वीट उगा दिया है। तो अभी घर तो हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, तो घर के सामने से ना ऐसे छोटा सा ब्रिज निकालते हैं, और ब्रिज के ऊपर ना मैंने फेंस और चेन लगाया और लैंटर्न्स लगा के ना इसे लाइट कर देते हैं। तो अभी हमारा छोटा सा घर ना एकदम कंप्लीट हो गया है। गाइस अगर आपको मेरा ये छोटा सा घर पसंद आया होगा तो इसे प्लीज एक लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।